नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान अकेडमी छतरपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपन लोग मिसिंग नंबर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, देखिए आप सभी लोग करिए और आंसर का जवाब दीजिए। और यदि कोई भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे इसमें बोला है, देखिए यहाँ से ये वाली रूट ले लीजिए, इसने 13 और 14 को मिलाकर 75 बना दिया। अब आपको सोचना है कैसे बनाया। देखिए मैं बता देता हूँ, ये है जो 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 को जोड़ो यानी हुआ 25, ठीक है, 25 हो गया, हो गया। अब देखो 13 और 14 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का, 3 का गुणा कर दो 75, ठीक है। सेम है जिसमें भी करना है, 15 और 16 का 31, डिफरेंस कितने का 1 का, सेटिस्फाइड है, हो गया। और देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें कि हमें उनका गुणा करने पर, तो यहाँ पे हम ऑप्शन को ले लेते हैं, 13 प्लस 22 होता है, 22 में डिफरेंस कितना है, 3 इनका इनका 4 का 88, सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, हमारा पहले ही ऑप्शन सही है, कोई नहीं करेगा, देख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल करते हैं। देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए वैसे आपको इसमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जितना है उतना ईजी भी है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे काउंट करना है, ठीक है, 18 में 7 जोड़िए, 8 घटा दीजिए, नीचे वाली अंक घटा देना है, आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, 17 आ जाएगा। सेम एज इसमें भी देखिए, इसमें भी देख लीजिए, देखिए अब देखिए 24 में जब 8 जोड़ेंगे आप लोग तो ये कितना होगा, 32, 11 घटाएंगे 21 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, देखिए वैसे ही अगर सीधा सा दिमाग लगाते हैं तो आप लोगों से होना नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि इस तरह में देखो इसमें काफ़ी डाइवर्ट किया गया, इसमें दो विधि आपको लगानी होगी। इसमें देखिए जैसे इसमें 14 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, एक बार जोड़ लीजिए, 144 हो गया ये 12 का, ठीक है, 196 इसमें 0 और इसमें जैसे 13 आएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, और 340 है। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है, ये भी ध्यान रखना है, जैसे 14 और 12 का डिफरेंस कितना है, 2 का वर्ग कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, 4 घटाएंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक है। सेम है जिसमें भी करिए, 15 का वर्ग 225, ठीक है, और 18 का 324, तो ये 9 4 5, और इनका डिफरेंस 3 का है, 3 का वर्ग 9 भी होता है, आपको सभी को पता होगा, 540, सेटिस्फाइड कर गया। सेम है लास्ट वाले में भी यही कर देना। अब जैसे आप देखते हैं वैल्यू पुट करके, जैसे 256 तो हमको इसका आप पता है, इसमें जैसे 13 का ले लेते हैं, 13 का 169, ठीक है, इसमें ठीक है 15 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 425, और डिफरेंस कितना है, 13 3 16, ठीक है, 3 का है तो 9 घटा दो इसमें, क्योंकि वर्ग घटाना होता है, 416 सही है, हो गया सर्टिफाइड, तो हमारा 13 ही सही है। अगला देख लेते हैं, देखिए इसमें ये भी बहुत इजी है, जैसे आप लोग को देखना होगा, जैसे इसमें अगर हम बोले तो जैसे आप यही समझ सकते हैं, 15 का भाग, ठीक है, 15 का भाग दे दीजिए इसमें 150 में, 10 आएगा, 10 का कितने गुना है, 10 में 2 का भाग दे दीजिए, 5 आएगा, आएगा 5, बीच वाला सेटिस्फाइड है, 16 में 128 में आप 16 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 4 का 2 गुना है कि नहीं है, अगर 2 का भाग देंगे इसमें भी तो 4 ही आएगा, तो इसमें देखिए अब 13 में किसका भाग दें, मतलब 13 में किसका गुणा करें, कि जो यहाँ पे 8 लाना होता, क्योंकि 4 का 2 गुना कितना 8 होगा, तो 8 लाना है, तो यानी 88 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेंगे, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन भी है और इतना इंटरेस्टिंग अमेजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखो 125 लिखा है आप 125, ठीक है, हम लोग भी लिख देते हैं, और जो 10 लिखा है 10 इसका वर्ग कर दो, 100 कर दो, ठीक है, 10 का वर्ग 100 होता है, 25 बचेगा, हमारा बीच वाला आ गया। सेम ऐसे ही ट्रिक हमें दूसरे में लगानी है, देखिए 216 लिखा है, लिखा रहे दोस्त से कोई मतलब नहीं है, 13 लिखा है 169 कर दो कितना आएगा, 49, ये नहीं आ रहा,
ट्रिक गलत है हमारी, ऐसा नहीं आएगा। एक मिनट, ऐसे दूसरी ट्रिक